नमस्कार, आर्यन सेवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रीति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ विशेष खबर पर। भाजपा प्रदेश संयोजक भैया सुमित पचौरी जी के जन्म दिवस पर सुबह से शुभकामनाएं देने वालों की लगी कतार। इसी बीच संजय तिवारी जी द्वारा भी जन्मदिन का भव्य कार्यक्रम रखा। करोंद पर भैया सुमित पचौरी भी द्वारा आभार प्रकट किया गया और 2019 लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। काफी लोगों का जनसैलाब दिख रहा है। भैया है, भैया की पूरी मंडली है। जन्मदिन का जो भारतीय सांस्कृति के आध्यात्मिक लोगों का मनाया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर केक काटा गया। यहाँ पर तिवारी जी भी हैं और भैया क्षेत्र के जाने पहचाने राजनीतिक जो पार्टियाँ जो बीजेपी उसमें एक अहम भूमिका इनकी रहती है। अब यहाँ पर तिवारी से पूछना चाहते हैं कितने लोग किस प्रकार से भव्य कार्यक्रम हो रहा है इससे भी जानते हैं। सुमित पचौरी जी का यहाँ पे जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम लोग बोलते हैं विद्यार्थी मेरे विद्यार्थी कभी यहाँ पर ताली हो जाए। बहुत जन्मदिन की भैया को बहुत बहुत बधाई हो। जन्म दिवस की अन्य शुभकामनाएं माँ भगवती की कृपा भैया को। वही हमारे IN7 रिपोर्टर नीरज विश्वकर्मा ने सुमित पचौरी से की खास बातचीत। होती है मध्य प्रदेश की जन 2019 लोकसभा चुनाव आने वाला। हम काफी विधानसभा लोकसभा घूमते हुए हम भोपाल में आए। यहाँ पर सांसद जी भी हैं तो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हमारे बीच बैठे हैं। ये किसी के नाम बताने को पहचानने की वो जरूरत नहीं है। हम तो जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रहेगी और क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं। वैसे कांग्रेस की तैयारी चल रही है, आप लोगों का क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं? जो मुद्दा देश के सामने है वो सब आप लोग देख ही रहे हैं। जी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी जो वातावरण पूरे देश में बना हुआ है जी, उसके बारे में कुछ भी कहना जी या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर कुछ भी बोलना मतलब सूरज को दिए दिखाने के बराबर। और मैं सभी कांग्रेस के नेताओं से खासकर मध्य प्रदेश के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि वह घोषणा करना तबादला करना बंद करें, जमीन पर आके जनता की सेवा करना चालू करें। आपका एक बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी में। आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब रहे जब करीब माने जाते थे, वर्तमान में भी आपके राष्ट्रीय लेवल पे इस प्रकार से यहाँ पे कौन या किसका नाम आ सकता है लोकसभा चुनाव में? भोपाल लोकसभा सीट से कुछ जानकारी। हमारे यहाँ चुनाव कौन लड़ेगा ये सब पार्टी तय करती है। पार्टी जिसको लड़ाएगी उसके लिए पूरे कार्यकर्ता भोपाल लोकसभा के कार्यकर्ता सी जान से काम करेंगे और हर बार की तरह भोपाल लोकसभा ये थे हमारे पास एवा चेहरे भारतीय जनता पार्टी के सुमित पचौरी जी। और इनका एक बहुत बड़ा नाम रहता है मध्य प्रदेश में चाहे मध्य प्रदेश से बाहर भी। ये हमेशा से एक कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम में लगे रहते हैं। और आगे बात होती है लोकसभा विदिशा से या खंडवा से। नीरज विश्वकर्मा, IN7 न्यूज भोपाल। की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाजत।